लेखक ने एक दिन जापान में घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। यह छाया किसकी थी? वहां कोई व्यक्ति खड़ा था। जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोटक के कारण भाप बन गया होगा। वह विस्फोट इतना भयंकर था कि पत्थर भी उससे झुलस गया था, यानी जल गया था। लेखक ने जब उस पत्थर को देखा तो उसे बहुत अचंभा होता है। उसके मन में उस समय की सारी घटनाएं आ जाती हैं, यानी कि उसके मन में वो सब घटनाएं आने लग जाती हैं जब ये विस्फोट हुआ होगा, और मन ही मन वह उस घटना को महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस समय वहाँ पर मौजूद हो और विस्फोट उसके सामने हुआ हो। इस प्रकार से वह उस विस्फोट का भोक्ता बन गया, यानी उसके प्रत्यक्षदर्शी बन गया। अब उसे ये लिखता है, लेखक ये कहता है कि मैंने क्यों शुरू किया। लेखक के अनुसार वह अपने मन की व्याकुलता से मुक्त होना चाहता था, और सभी रचनाकार अपने मन की बात लिखते हैं और यही बात उन्हें प्रेरित करती है कि वह कुछ लिखें। उनके लिखने के पीछे कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं, यानी कुछ बाहर की घटनाएं भी होती हैं जो उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया, और वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणु बम की भयानकता की कल्पना करके बहुत बहुत दुखी होता है। इतना दुखी होता है कि हर समय उसे यह एहसास होता रहता है कि उस दुखद घटना के समय वह वहां मौजूद था। इस त्रासदी से उसके भीतर एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, और यही कारण है कि उसने हिरोशिमा पर एक कविता भी लिखी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा कैसी भी हो, वह उस अनुभूति से पैदा हुई थी, और यह बात बस इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार वह स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है, और यही जानने की इच्छा उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने भीतर उमड़ने वाली एक विवशता से मुक्ति पाने के लिए भी लिखता है, और विवशता ही उसे लिखने के लिए बाध्य भी करती है। सामान्य तौर पर लेखक अपनी अनुभूति के कारण ही लिखते हैं, और अपनी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए रचनाओं का निर्माण करते हैं। लेखक जब जापान गया तो उसने हिरोशिमा के अस्पताल में जाकर के अनेक ऐसे घायल लोगों को देखा जो हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम का शिकार हुए थे। वहीं एक दिन उसने झुलसे हुए पत्थर पर भी एक मानव की छाया को देखा, और यही वजह थी कि वह दुखी हो उठा, और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उसने हिरोशिमा पर कविता लिख दी। इसके अतिरिक्त लेखक जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति पर यह बाहरी दबाव भी था कि वह जापान जैसे देश से लौट करके अपनी यात्रा के बारे में लोगों को कुछ बताए, और हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के मन के भीतर जो दबाव है वो, और बाह्य दबाव यानी कि लोग चाहते हैं कि वह लिखे, दोनों का ही परिणाम थी। आज अगर बात करें हम विज्ञान की, तो विज्ञान का दुरुपयोग होता जा रहा है। हिरोशिमा की घटना की चर्चा के ऊपर हम बात करें तो विज्ञान का दुरुपयोग करके नेपम बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि अनेक बम जो हैं उनका निर्माण किया गया है, और अगर इन्हें चला दिया जाए तो संसार क्षण भर में नष्ट हो सकता है। विज्ञान बहुत सारी गैसें भी तैयार कर रहा है, विषैली गैसें, जिनका अगर जिनसे प्रयोग कर लिया जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी।
एक बात अगर इसी से जुड़ी हुई हम देखें तो पॉलीथीन का निर्माण भी हो रहा है और पॉलीथीन का निर्माण पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। लेखक की फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ लेखक ने युद्ध के समय देखा कि किस प्रकार से भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियाँ मार रहे थे, यद्यपि उन्हें कुछ ही मछलियों की जरूरत थी, लेकिन वे इस प्रकार से बम फेंक करके हजारों जीवों को नष्ट कर रहे थे। और इसे देखकर ही उसे अनुभव हुआ कि अणुबम के द्वारा भी ऐसे ही अनेक लोगों को मारा जा रहा है। और हिरोशिमा का उदाहरण उसने दिया कि किस प्रकार से बिना बात बहुत सारे लोग मारे गए। लेखक अपने मन में उठने वाले प्रश्न को दबा नहीं पाता है और वह लिखने लग जाता है। अपने मन में उठते हुए भावों के आवेश को वह लिखकर सब तक पहुंचाता है और तब उसकी छटपटाहट कुछ कम होती है। लेखक के अनुसार वह स्वयं एक विज्ञान का विद्यार्थी था और उसने विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की है। अणुशक्ति और रेडियोधर्मी पदार्थों का उसे व्यवहारिक ज्ञान था और उसके प्रभाव के बारे में भी वह भलीभांति जानता था कि इसका कितना दुष्परिणाम होता है। लेखक ने जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना को पढ़ा और सुना तो भी तत्काल उसने उस समय कुछ नहीं लिखा। जब उसने पत्थर पर उस व्यक्ति की छाया को देखा तब उसके भीतर में संवेग आया कि वह कुछ लिखे। किसी भी विषय में कुछ लिखना लेखक के अंतर्मन से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति हर समय लेखन कार्य करना नहीं चाहता, कभी धन के कारण या कभी बाहरी दबाव या दूसरे आग्रह आदि कारण से मन की अनुभूतियां जाग जाती हैं तो वह लिखना शुरू करता है। किसी भी घटना, दृश्य, चित्र, छवि आदि को देखकर मन में प्रतिक्रिया जो होती है वह बेचैनी, छटपटाहट, उसे भीतरी विवशता कहते हैं और उसी को लिख करके प्रकट करने की बात को हम लेखक बनाती है और इससे लेखक का मन हल्का हो जाता है। इसी अकुलाहट को समझाने के लिए हिरोशिमा नामक कविता लेखक ने लिखी थी।